सेठ जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेकिन क्या है इसमें? आज 26 जनवरी है, अगर उसने कुछ कर दिया। क्या हुआ गोकुलदास जी? आजाद शहर में है और कुछ भी हो सकता है। आज 26 जनवरी है तो अगर उसने सुचेता अस्पताल से कूद कर आत्महत्या कर ली तो उसकी हर बात सच्ची और हमारी हर बात झूठी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप, समझते हैं कि वो जान दे देगा? बाबा ये ठीक कह रहे हैं, वहां से कूदने की बात तो, और वहां से कूदने के लिए वो खराब ही हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोग आग लगा देंगे मेरे दफ्तर और प्रेस को। जरा सोचिए आपके वर्कर्स का क्या रिएक्शन होगा अगर आजाद सुचेता अस्पताल की बिल्डिंग पर पहुंचकर कुछ। वो वहां नहीं पहुंचेगा गोकुलदास जी। पांडे जी जरा भाई जी को फोन लगाइए। जी मुझे मारने आए हो तो बेकार आए हो, मैं तो खुद ही आज मरने वाला हूं। हम तुमको मारने नहीं बचाने आए हैं, आज हम तुमको मरने नहीं देंगे। ठीक कहते हो, जिस दिन मेरी जिंदगी तुम्हारे मालिकों के लिए खतरनाक थी उस दिन तुम मुझे मारना चाहते थे, आज मेरी मौत तुम्हारे मालिकों के लिए खतरनाक होने वाली, इसलिए तुम। लेकिन सुनो, आज 26 जनवरी की रात है और मैं उसी जगह उसी तरह मरने वाला हूं जैसा अखबार में छपा था, समझ गए? तुम या तुम्हारे मालिक आज मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं। मेरा ऑर्डर था कि वो शहर में घुसने ना पाए, वो आया कैसे? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नागो से कहो कि जैसे भी हो अरेस्ट करे उसे। जी सर, वो कह तो दिया पर पता नहीं। वो सुचेता हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास। रस्तोगी जी सर, वो सचमुच कूद तो नहीं जाएगा वहां से? अब कहा कहें सर, वो कूद भी जाए। अरे गधे, अगर वो वहां से कूद गया तो हाहाकार मचाएगा सारे प्रदेश में।
सरकार हिल जाएगी, 24 घंटे में मिनिस्टर गिर जाएगी मेरी, और तू कहता कूद भी जाए। आप तो कह रहे थे कि आपके आदमियों ने, वो तो है शहर में है और वो सुचिता हॉस्पिटल के पास देखा गया है। अजी ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा रिपोर्टर पुलिस हेडक्वार्टर पर ही था, खबर मिली है। उसे रोकना पड़ेगा, किसी तरीके से उसे रोकना चाहिए। लाइट्स तो चल रही है, यहां तो नहीं है, मैं देखती हूं। आदमी भेजो सर, डर है अगर हमने ऊपर पहुंचने की कोशिश की कहीं वो कूद ना पड़े। वी हैव टू टॉक टू हिम, हमें उससे बात करनी पड़ेगी। यस सर। देखिए देखिए आप देखिए, बाकी आप जानते नहीं कौन है, सुनिए। अरे जाने दीजिए छोड़, अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब हटाओ, हट जाओ। हाँ चंद जी, लेट मी डू माई जॉब। आप लोग यहाँ क्या करने आए? आप लोगों को पता नहीं कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है? अजी छोड़िए जी, आप मुझे बात करने दीजिए। नागू, यू नो मी ना, यू नो मी, आई एम एसएमएलए त्रिवेदी। प्लीज मैं आपको बंद कर दूंगा। मेरी बात सुनिए, हम इस आदमी को जानते हैं, इस आदमी को हम, मैं कहता हूँ मैं इस आदमी को समझा सकता हूँ। देखिए देखिए सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को सुनिए। राजचंद जी देखिए, हम इस आदमी को पहचानते हैं, मैं इस आदमी को समझा सकता हूँ। देखिए इस वक्त तो हम एक साथ हैं ना। नागू जी आने दो इन्हें, हो सकता है इनके कहने से कुछ गलत होगी, मैं इससे बात करना चाहूंगा। आजाद 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 आजाद, देखो देखो मैं हूं, मैं मुख्यमंत्री गुलाब चंद तामोर। देखो देखो मैं तुम्हें समझाने आया हूं, देख नीचे उतर आओ। देखो जो भी बात है सुलह सफाई से हो जाएगी। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो पागल पर मत करो, समझदार बनो, नीचे उतर आओ, नीचे आ जाओ आजाद, नीचे आजाद। हमारी तरफ से कोई बात हो गई हो तो माफ कर दो, भूल जाओ, ये जान देने से थोड़ा ही कुछ होना है। आजाद, हम चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो। आजाद, हम सब चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो। नहीं, तुम सब ये नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, तुम चाहते हो कि आजाद मर जाए, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। आजाद नहीं मरेगा, नहीं मरेगा वो। Thank you.
वो कहां है कहां नहीं, जिंदा है मर गया कहां गया। पब्लिक इंटरेस्ट इसी में है कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, हॉस्पिटल अथॉरिटीज को, पुलिस को। ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है। सुनो पांडे जी, दफ्तर में इंक्वायरी के लिए लोगों के फोन आएंगे, कह दो ये पूरी खबर झूठी है। सड़कों पर जमा हो रहे, आप इस शहर के आईजी हैं और आप मुझे ये सुना रहे हैं? कर्फ्यू है शहर में, कर्फ्यू है शहर में, जो सड़क